नमस्कार। जो लोग चिकन को खाना काफ़ी पसंद करते हैं उन्हें लगता है इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रॉयलर चिकन यानी फॉर्म के चिकन को एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं जिससे ये सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। और जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि पोल्ट्री फार्म के मुर्गे को 45 से 50 दिन में बड़ा किया जाता है, वहीं देशी मुर्गे को देखे तो बड़ा होने में 200 दिन का समय लगता है और ये धूप और हवा भी लेते हैं जिससे इन्हें विटामिन डी मिल जाता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं इस अंतर से। बीमारियों से बचाने के लिए मुर्गे को 45 से 50 दिन में अच्छी ग्रोथ के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं जिसके सेवन से हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। ब्रॉयलर चिकन पुरुषों के हार्मोन्स पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। यह एंटीबायोटिक दवाएं हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार चिकन खाने से बचना चाहिए। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अधिक सेवन से इनके माध्यम से शरीर में रेडनेस हो सकता है। CSE के सर्वे के मुताबिक पोल्ट्री फार्म के चिकन से हमारे लीवर और किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी नुकसानदायक है, जिसके वजह से बच्चे पर भी गंभीर असर पड़ता है। अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। दाने की लागत कम हो इसके लिए आर्सेनिक खिलाया जाता है। इसके सेवन से डिमेंशिया होने का खतरा हो सकता है। लड़कियां समय से पहले ही बड़ी लगने लगती हैं। खाने वाले का शरीर भी मोटा हो जाता है। चिकन में HCA यानी हेट्रासाइकल एंजाइम मौजूद होते हैं जिसका अधिक सेवन बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है। कोलिस्टीन एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं जो इनके माध्यम से शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए अपनी अच्छी सेहत के लिए फॉर्म के चिकन को खाने से बचना चाहिए और हम सबको इसके लिए जागरूक भी होना चाहिए। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, यूट्यूब पर भी।